फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल में फ़िश करी। तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कितना डिलीशियस हमारा फ़िश करी बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वन टाइम सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg फ़िश। ये शोर फिश है फ्रेंड्स, आप इसकी जगह कोई सा भी बड़ी मछली ले सकते हैं। इसे हमने काट कर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। फिश को हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर और 1 tablespoon ही हमने इसमें ऐड किया है नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया है 1 tablespoon लेमन जूस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स आप इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब हम फटाफट से मसाले रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों लिया है पिसा हुआ। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच गार्लिक पेस्ट, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही मैंने जीरा पाउडर लिया है। इसके साथ ही मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, इससे जो फिश का कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हमने साइड में अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। इसके बाद हमने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऐड कर लिया सरसों का तेल और इसे बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें हमने फटाफट से ऐड कर दिया है फ़िश को और फिश को हम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया कितना मज़ेदार फिश फ्राई हो रहा है। इसी तरह से हमने सारे फिश को फ्राई कर लेना है। फिश हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे ऑयल में जो है नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 tablespoon सरसों का दाना और 1/2 tablespoon ही मैंने इसमें ऐड किया है मेथी दाना। इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए तड़क लगने देंगे। जैसे ही ये तड़क लग जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए, इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मसाले को जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भुना जाए, तभी इसका टेस्ट अच्छा बन के आता है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है, देख सकते हैं इसमें से ऑयल बाहर आ गया है। तो बस इसी तरह से हमने मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और पानी के इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए ढककर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसमें जैसे ही अच्छे से उबाल आने लगेगा हम इसमें सारे फिश को ऐड कर लेंगे और फिश को हम इसमें ज़्यादा देर नहीं कुक करेंगे, इसे 3 से 4 मिनट ही हम कुक करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। फिश हमारी जैसे ही रेडी हो जाएगी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिश करी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना डिलीशियस और कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स आपकी 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से हमें बहुत ही हौसला मिलता है आगे काम करने का। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।